अदिति सब हम अच्छा काय चलाय ना कैले है ना पता रहा लौरा। तो हम निकल गए गांव के लिए क्योंकि कोई छठ पूजा और हम गांव नहीं जाए ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भले नहीं जाऊं, पप्पा तो चले ही जाते हैं। पप्पा और गांव में किसी को पता नहीं कि मैं आ रही हूँ, पप्पा का पता है बट मैं आ रही हूँ और आदित्य आ रहा है वो किसी को भी नहीं पता है। तो मैं आ रही हूँ, एटलीस्ट मम्मी को तो पता है बट आदित्य आ रहा है वो मम्मी को भी नहीं पता, क्योंकि आदित्य बैंगलोर से डायरेक्ट गांव मिलेगा हमें एयरपोर्ट पे। तो हम तीनों साथ में जाएंगे फिर गांव, देखते हैं सबका आज रिएक्शन कैप्चर करते हैं हम। तो पापा के चक्कर में मैं 3 घंटे जल्दी आ गई हूँ, 3 घंटे 4 घंटे 3.5 घंटे पापा एयरपोर्ट पे, और अभी हम क्या करेंगे मुझे आइडिया ही नहीं है। T1 से यार यहाँ टाइम पास भी करके मैं क्या करूँ, यहाँ कुछ टाइम पास के लिए भी नहीं है, क्या कर सकते हैं आइडिया नहीं है। T2 रहता तो एटलीस्ट कुछ देखते रहते, शॉपिंग वॉपिंग करते रहते, पर T1 पे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चलो देखते हैं अंदर जाके, शायद टाइम निकल जाए कैसे। ये भूख तो बहुत ज़ोर से लगा क्योंकि मम्मी नहीं थी सुबह नाश्ता देने के लिए, क्योंकि मम्मी ऑलरेडी गाँव चली गई है। देखो एयरपोर्ट पे जल्दी आना अच्छी बात है क्योंकि मिस ना हो, फटाफट स्मूथली सब कुछ हो जाए, बट यार डोमेस्टिक एयरपोर्ट को भी थोड़ा इंटरनेशनल जैसा फील करा तो दो यार ना, बोरिंग एयरपोर्ट है डोमेस्टिक वाला। T1 कैसे टाइम यहाँ पर स्पेंड करेंगे 3 घंटा वो भी। वो कहते हैं ना कोई भी चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड मत रहो जो खुद की नज़र लग जाए। भगवान जी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, इतना कंटेंट मत दो ना। वही बोलते हैं ट्रिप में सब कुछ अच्छा हो तो क्या ट्रिप हो। तो हो गई यहाँ पर आते आते हमारे साथ एक चीज़, जो अभी हमें पता चला है कि जो हमारा दरभंगा का फ्लाइट था वो दरभंगा लैंड नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस डाले हैं कुछ लैंडिंग के लिए, क्योंकि वो मिलिट्री वाला जो होता है वो है दरभंगा का, इसलिए। तो अभी हमें पता चला है कि दरभंगा लैंड नहीं होगा, हमें पटना लैंड करना पड़ेगा। पटना से लिटरली हमें 5 घंटा लगेगा घर पहुँचने में। यार देखते अभी कैसे होता है यार, प्लीज़ भगवान जी दरभंगा कर देना। तो ये मैंने घी पोड़ी डोसा ऑर्डर किया है जो है 550 रुपये का। यार हमारे डोंबिवली में 250 में हो जाता है काम, बट ठीक है यार एयरपोर्ट पे खाने का इतना है तो इतना रोऊंगी नहीं मैं भी। ठीक है भूख लगा था बहुत ज़ोर से। ये देखो कितने अमीर है पापा, 170 रुपये का वड़ा पाव खा रहे हैं। कैसा लगा 170 रुपये का वड़ा पाव? पैसा खा रहा हूँ। क्या पैसा खा रहा हूँ? पैसा खा रहे हो? 110 रुपये का बोतल, मुझे ग्लास भी दिया साथ में, वो ग्लास का पैसा लगा एक्स्ट्रा। हटाओ इसे, घी पोड़ी डोसा पे फोकस करो। पापा अभी गए फ्लाइट का पूछने, लेकिन पापा का मुंह देख के मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहा है, मतलब शायद हमें पटना ही जाना होगा मुझे लग रहा है। शायद फिर स्पाइस जेट वाले वहाँ से बस से हैं दरभंगा छोड़ो। क्या 10:30 को बताओ, अभी 10 से 10:30 हो गई, क्या है कितना टाइम वेस्ट करने का, हाईजैक तो नहीं हो गया? तो ये पापा फोटो खिंचाने गए अंदर। फ्लाइट कैंसिल होके हमें पटना शिफ्ट कर दिया गया है, तो जो 4:30 की फ्लाइट, और अभी बज रहे 11 और हमें इतना वेट करना है अभी। तो तब तक सोचा क्या करूँ, तो यहाँ क्रॉसवर्ड दिख गया मुझे, तो सोचा चलो यार यही आ जाते हैं, बेस्ट वे यहाँ पर मस्ती करने का, जो यहाँ क्यूट क्यूट चीज़ें दिखती है ऐसी। तो इतने टाइम एयरपोर्ट पर करना क्या है, तो मुझे पैसे वेस्ट करना है, तो पैसे वेस्ट नहीं तो कुछ तो करूँ मैं। तो मैंने बुक नहीं लाई थी तो मैंने एक डायरी खरीद ली और एक ब्लैक पेन, तो फटाफट कुछ तो स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ तब तक बैठ के, या फिर ड्राइंग कर लेती हूँ। ओए हाय, तो आज हमको पूरा टाइम लगता है एयरपोर्ट में ही खा खा के पैसे ख़त्म कर देने हैं। पापा बहुत ज़्यादा यहाँ पर खर्चा हो रहा है यार, एक तो इन लोग ने फ्लाइट डिले कर दी है, डीले मतलब लिटरली दरभंगा भी हम नहीं उतरेंगे, हम पटना पे उतरेंगे। देखो दिखाती हूँ कि हमारा क्या हालत हो गया, नेक्स्ट करी पप्पा को देखो। छः घंटे एयरपोर्ट पे बिताने के बाद अभी बज रहे 4:30 और अब है हमारी फ्लाइट, तो अभी मैं बस जा रही हूँ वॉशरूम वॉशरूम जाके। अभी दरभंगा रहता तो बहुत ईजी हो जाता है, 1 घंटे में पहुँच जाती, वहाँ जाने में मुझे लगेगा 3 घंटा। तो ठीक है यार कोई नहीं, बट छठ पूजा है उसके लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कुर्बान है। जा ही रही थी 2 दिन के लिए, 1 दिन आज वेस्ट हो गया। मतलब इंटरनेशनल पे ले जा रहा है क्या? क्या पता, इंटरनेशनल से ही फ्लाइट था तो इंटरनेशनल तो रुका देते यार। सो फाइनली अब हम चढ़ रहे हैं फ्लाइट में 7 घंटे के बाद। अब मेरे को इतना ज़ोर से भूख भी लगा, इतना ज़ोर से नींद भी लगा है, ज़ोर से नींद बहुत लगा है और भूख भी लगा है। अभी यहाँ से हम पहुँचेंगे अभी 4:30 उड़ते समझो 4:45 हो गया, तो हम पहुँचेंगे 7:30 को। तो आज सुबह से खाली खर्चा ही खर्चा हो रहा है हमारा,
कितना खर्चा हो गया रहेगा सुबह से? बहुत भूख लगा और कुछ ऑप्शन भी नहीं था, हमारा सर पकड़ लिया भाई भूख से। तो अभी ये मैं नूडल्स खा रही हूँ, पप्पा पोहा खा रहे। क्या तो 7:15 हो रहे हैं, हम पहुंच गए बिहार, पटना में लैंड हो चुका है। तो इतना लेट हुआ फिर भी पटना में पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब जो हुआ पास्ट में, क्या थकान है वो कहना है, सब बाढ़ में जाए। पटना पहुंच गए, गांव पहुंच गए, मज़ा आ गया। अभी ओ भाई, जब फ्लाइट में बोला उन्होंने कि बेल्ट नंबर 1, तो मुझे हंसने आया कि एक ही बेल्ट है यहाँ पर और 1 नंबर क्या बोल रहे हैं इन लोग। लेकिन बाद में अभी, क्योंकि ये वाले एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, यहाँ पर 3 बेल्ट है भाई। वाह, बाबूजी बाबूजी अभी छाना पड़ती। बोलो कैसा लगा मैं आई? कहाँ से आ गई तू? मुंबई से। बोले तो मैं नहीं आऊंगी। तो आई ना लेकिन मिलने, सरप्राइज। नहीं आऊ, नहीं आऊ, चली जाओ वापस। तो अब हो गई है रात और मैं बहुत थक गई हूँ। अभी क्या ठेकुआ और क्या बनता है मम्मी, खजूरी, वो अभी बनता है। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, तो मेरे में आज हिम्मत नहीं है कि मैं बैठू बाहर जाके इन लोग के साथ। तो ये रात भर आज मम्मी और दादी मिलके मनाएंगे खजूरी और ठकुआ जो होता है। तो मैं सो रही हूँ, कल से छठ पूजा का वीडियोस आना स्टार्ट करेगा, तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है। तो ये वाला जो रूम है वो मेरी दादी का, मैं हमेशा दादी के साथ सोती हूँ उनके साथ, बट आज उनको तो बनाना है तो वो तो मेरे साथ नहीं सो पाएंगे। तो चलो फिर सोती हूँ मैं, गुड नाइट। कल से छठ पूजा स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्ट हो रही है तो ऑलरेडी 2 दिन पहले हो गए, नहा खाया और खरना आज हो गया, जहाँ खीर और रोटी चढ़ता है भगवान को और वही खाते हैं लोग उस दिन घर पे। तो अभी कल से फिर छठ पूजा होगा, जो शाम का छठ होगा, नेक्स्ट उसके बाद जो होगा वो मॉर्निंग छठ होगा, फिर हम निकल जाएंगे मुंबई के लिए वापस। ठीक है, बाय, गुड नाइट, और हमेशा मुस्कुराते रहो।